उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा। पॉलिटिकल किस्सों के पिछले एपिसोड में मैंने आपको इस फूलपुर लोकसभा के शुरुआती दौर की कहानी सुनाई। आपने नेहरू और लोहिया की राजनीतिक जंग के बारे में जाना। आपको विजयलक्ष्मी पंडित की चुनावी जीत पता चली। आपको छोटे लोहिया का जीतना और फिर हारना भी पता चला। 1977 से फूलपुर लोकसभा का एक दूसरा दौर शुरू होता है। इसके जीवन चरित में कई कांड यानी कि अध्याय जुड़ते हैं। एक नेता जो यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीतता है और इस तरह से नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करता है, और फिर यही नेता हार की भी हैट्रिक बनाता है। हैट्रिक छोड़िए, लगातार 4 बार चुनाव हारता है और उसके बाद सियासत को अलविदा कहता है। फूलपुर लोकसभा, जहां से बसपा के संस्थापक कांशीराम अपने चेले को पटकनी देने के लिए मैदान में उतरते हैं और हार जाते हैं। फूलपुर लोकसभा, जहां से कुख्यात अपराधी अतीक अहमद चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचता है, और फूलपुर लोकसभा जहां से केशव प्रसाद मौर्य का राजतिलक होता है, उनके सियासी करियर को अभूतपूर्व श्रीवृद्धि मिलती है। और पहले वो सांसद से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिसके चलते 11 मार्च 2018 को फूलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallantop.com के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें हम बात कर रहे हैं फूलपुर लोकसभा सीट की। 1977 का चुनाव इमरजेंसी विरोधी चुनाव के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विरोध में मोर्चा बनाने की शुरुआत चौधरी चरण सिंह 1974 में ही कर चुके थे। भारतीय लोकदल के नाम से एक दल बना था, जिसमें 7 छोटे बड़े दल शामिल हुए थे। इसमें भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल शामिल थे। 1977 में फूलपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी कमला बहुगुणा। कमला बहुगुणा कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी थी। उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे थे राम पूजन पटेल। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम हारने के बाद जीत का और जीतने के बाद हार का रिकॉर्ड बनाने वाला है। बहरहाल, सबसे पहले आपको बताते हैं 1977 में हुए फूलपुर के लोकसभा चुनाव का नतीजा। भारतीय लोकदल की कमला बहुगुणा को मिले 205,038 वोट। कांग्रेस के राम पूजन पटेल को मिले 82,686 वोट। भानुमति के कुनबे की तर्ज पर बनी जनता पार्टी सरकार नहीं चला पाई। देश में मध्यावधि चुनाव हुए, साल था 1980। बहुत कुछ बदल चुका था इन 2.5 वर्षों में। मसलन बहुगुणा परिवार वापस कांग्रेस में लौट आया था, और इसलिए 1980 के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा से कांग्रेस की कैंडिडेट बनी कमला बहुगुणा। आपको बीडी सिंह याद हैं? वही बीडी सिंह जिन्होंने 1971 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था और जनेश्वर मिश्र की हार हुई थी, वीपी सिंह जीते थे। वही बीडी सिंह 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर मैदान में थे। देश में नए सिरे से इंदिरा और कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी, पर फूलपुर ने इसके उलट नतीजा सुनाया। जनता पार्टी सेकुलर के कैंडिडेट बीडी सिंह को मिले 1,45,820 वोट। कांग्रेस की कमला बहुगुणा को मिले 1,07,032 वोट। इसके बाद बारी 1984 के लोकसभा चुनाव की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर, जिसने राजीव गांधी को अभूतपूर्व बहुमत दिलाया। फूलपुर की लोकसभा पर राजीव ने भरोसा जताया कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता
राम पूजन पटेल पर। ये वही राम पूजन पटेल हैं जो 1977 में कमला बहुगुणा के मुकाबले खेत रहे थे। इस बार राम पूजन पटेल ने जीत हासिल की, उन्होंने लोक दल के रहमान अली को हराया। फाइनल टैली ये थी। कांग्रेस के राम पूजन पटेल को मिले 2,42,538 वोट, लोक दल के रहमान अली को मिले 1,27,966 वोट। देश की सियासत जैसे गंगा जी का बदलता स्वरूप। 1989 आते आते राजीव गांधी का सितारा गर्दिश में जाने लगा था और उनके कई वफादार सिपाही कांग्रेस को डूबता जहाज मानकर उतरने की तैयारियों में लग गए थे। फूलपुर से कांग्रेस के सांसद राम पूजन पटेल भी इसका अपवाद नहीं थे। तर्क ये दिया गया कि फूलपुर हो या इलाहाबाद, ये राजा मांडा यानी कि वीपी सिंह का इलाका है और इसलिए जो भी पुराने कांग्रेसी थे वो कांग्रेस के बजाय वीपी सिंह के प्रति वफादार रहे और उनकी नई पार्टी जनता दल में चले गए। वीपी सिंह के इस नए चेले राम पूजन पटेल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भरोसा जताया अपने एक और पुराने और कद्दावर नेता चंद्रजीत यादव पर। तगड़ा मुकाबला हुआ और आखिर में बाजी जनता दल के राम पूजन पटेल के हाथ लगी। वोटों की गिनती इस तरह से थी। जनता दल के राम पूजन पटेल को मिले 1,98,266 वोट, कांग्रेस के चंद्रजीत यादव को मिले 1,65,765 वोट। 1984 में सिर्फ इंदिरा गांधी का कत्ल ही नहीं हुआ था, DS4 नाम का राजनीतिक प्रयोग बहुजन समाज पार्टी नाम के राजनीतिक दल में भी इसी बरस बदला था। BSP का जिक्र क्यों? क्योंकि फूलपुर में 1991 के चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला इसी नई नवेली पार्टी ने बनाया, काशी राम की पार्टी, जो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। ये बसपा का तीसरा चुनाव था। फूलपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में थी। रथ यात्रा का दौर था, 89 का दौर बीत चुका था जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच एक अघोषित किस्म का समझौता था। भारतीय जनता पार्टी ने देवराज सिंह को मैदान में उतारा, बसपा ने बेनी माधव बिंद को मैदान में उतारा। उनका आकलन था कि नदी किनारे की जो बस्तियां हैं जिनकी जीविका पानी से जुड़ी हुई है वो बसपा के आंदोलन से जुड़ेंगी। जनता दल ने एक बार फिर से राम पूजन पटेल पर भरोसा जताया। 1971 के बाद एक बार फिर से फूलपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था। बाकी सीटों पर राम लहर के आलोक में BJP को झूम कर सफलता हासिल हुई, लेकिन फूलपुर में ऐसा नहीं हुआ। फूलपुर का चुनावी नतीजा ये रहा। जनता दल के कैंडिडेट राम पूजन पटेल को मिले 1,50,640 वोट, बहुजन समाज पार्टी के बेनी माधव बिंद को मिले 91,039 वोट, भारतीय जनता पार्टी के देवराज सिंह को मिले 84,494 वोट। 6 दिसंबर 1981, दलितों के ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकलकर कांशीराम ने DS4 बनाया, सबसे ज़्यादा फोकस किया उत्तर प्रदेश पर। तब के समय से जब भी कांशीराम इलाहाबाद आते एक नौजवान उनके बगलगीर होता, जुझारू तेवरों से लैस इस नेता का नाम था, इस नौजवान का नाम था जंग बहादुर पटेल। पूरे अवध और पूर्वांचल में दोनों को गुरु चेले की जोड़ी कहा जाता था। 1996 में ये गुरु चेले मैदान में थे, आमने सामने थे। क्यों थे? क्योंकि 1993 के चुनाव में सपा बसपा जब मिलकर लड़ी तब फूलपुर की 5 विधानसभाओं में से 4 पर बसपा जीती और झूसी पर सपा। ये 4 सीटें थी, हंडिया, सोराव, प्रतापपुर और नवाबगंज। बसपा को लग रहा था कि 1996 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांशीराम के लिए यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट होगी।
लेकिन 1996 के चुनाव से पहले आया 2 जून 1995 यूपी का गेस्ट हाउस कांड, जिसके बाद सपा और बसपा में सांप और नेवले का सा रिश्ता बन गया। जंग बहादुर पटेल, काशीराम का चेला जंग बहादुर पटेल अब बसपा छोड़कर सपा के पाले में खड़ा था। 1996 के चुनाव में वो साइकिल के निशान से मैदान में था। बसपा से काशीराम थे। एक और पुराने नेता सोनेलाल पटेल अब अपना दल बना चुके थे और वह भी मैदान में थे। कमला बहुगुणा को हराने वाले उस वक्त जनता पार्टी सेकुलर के नेता रहे और अब भाजपाई हो चुके बीडी सिंह कमल के निशान पर मैदान में थे और जनता दल के टिकट पर लड़कर पिछला 2 चुनाव जीत चुके और कुल मिलाकर 3 बार लगातार जीत चुके राम पूजन पटेल फिर से कांग्रेस में लौट आए थे। तो जंग बहादुर पटेल, काशीराम, राम पूजन पटेल, बीडी सिंह 4 हैवीवेट, सोनेलाल पटेल 5वें। एक नाम और जोड़िए, रोमेश शर्मा का नाम, दिल्ली का कारोबारी जो फूलपुर में 1996 में गांव-गांव हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहा था और इसलिए खूब भीड़ जुटा रहा था। बाद में इसी रोमेश शर्मा को गुंडा नंबर 1 दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के चलते जेल की हवा खानी पड़ी। जोरदार मुकाबला हुआ, सबने पूरा जोर लगाया, नतीजा चौंकाने वाला था। समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल को मिले 1,62,844 वोट। बहुजन समाज पार्टी के काशीराम को मिले 1,46,823 वोट। भारतीय जनता पार्टी के बीडी सिंह को मिले 1,19,318 वोट। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे राम पूजन पटेल को मिले 67,714 वोट। हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले रोमेश शर्मा को मिले 3,623 वोट, जबकि अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल को मिले 2,426 वोट। फूलपुर की लोकसभा का आप इतिहास देखें तो एक चीज पर बड़ा ताज्जुब होता है, अगर आपके भीतर ईमानदारी बची हो तो। ताज्जुब इस बात का कि यहाँ के नेता चुनाव लड़ने और जीतने के लिए कितनी बेशर्मी से पार्टियाँ बदल लिया करते थे। 1998 का चुनाव भी इसका अपवाद नहीं रहा। जंग बहादुर पटेल एक बार फिर से सपा के टिकट पर मैदान में थे और इस बार बसपा के टिकट पर मैदान में थे राम पूजन पटेल। जी वही राम पूजन पटेल जो कांग्रेस से सांसद रहे, जो जनता दल से सांसद रहे और जो 1996 में कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से उतरे थे और हारे थे, अब वो बसपा के टिकट पर मैदान में थे। बसपा के नेता बेनी माधव बिंद याद हैं आपको, जो 1991 में चुनाव लड़े थे। 1998 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में थे और सोनेलाल पटेल तो थे ही, ये नए नवेले रंग थे फूलपुर की सियासत के, लेकिन नतीजा 1996 की तरह पुराना रहा। ये थी वोटों की टैली। समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल को मिले 2,16,124 वोट। भारतीय जनता पार्टी के बेनी माधव बिंद को मिले 2,01,604 वोट। बहुजन समाज पार्टी के रामपूजन पटेल को मिले 1,77,556 वोट। अपना दल के सोनेलाल पटेल को मिले 42,152 वोट। अप्रैल 1999 में जयललिता की चाय पार्टी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव। उत्तर प्रदेश के फूलपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से भाजपा में आए और पिछला चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़कर दूसरे नंबर पर रहे बेनी माधव बिंद पर दांव लगाया। सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे धर्मराज पटेल। बसपा ने इस बार तुलसी राम यादव को मौका दिया। राम पूजन पटेल वो फिर से बसपा छोड़कर कांग्रेस में लौट चुके थे और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल तो मुकाबले में थे ही। सोनेलाल जो पहले चुनाव में जमानत गंवा चुके थे और दूसरे में जमानत बचाने में कामयाब रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद वो थर्ड टाइम लकी साबित हों, लेकिन चुनावी नतीजे सिर्फ सपाइयों के खेमे में ही ढोल बजवा पाए।
समाजवादी पार्टी के धर्मराज पटेल को मिले 183,282 वोट। भारतीय जनता पार्टी के बेनी माधव बिंद को मिले 163,243 वोट। बहुजन समाज पार्टी के तुलसी राम यादव को मिले 150,173 वोट। अपना दल के सोनेलाल पटेल को मिले 127,780 वोट। कांग्रेस के राम पूजन पटेल को मिले 32,376 वोट। फूलपुर, जिसका जिक्र आते ही लोग कहते थे पंडित नेहरू की लोकसभा। फूलपुर जो जब 2004 में सुर्खियों में लौटा तो इसलिए क्योंकि इस बार इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम के चर्चित बाहुबली विधायक अतीक अहमद मैदान में थे। अतीक अहमद को सपा ने टिकट दिया। बसपा के टिकट पर केसरी देवी पटेल थीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बेनी माधव बिंद पर दांव लगाया, जो पिछले दो चुनाव दूसरे नंबर पर रहकर हार चुके थे। सोनेलाल पटेल भी मैदान में थे और कांग्रेस की तरफ से राम पूजन पटेल भी। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर ने संसद में चुनकर भेजा माननीय अतीक अहमद को, जिनके ऊपर दर्जनों गंभीर आपराधिक मुकदमे तब भी चल रहे थे और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब भी चल रहे हैं। अतीक अहमद फूलपुर की कहानी में लौटेंगे। फिलहाल आप 2004 के चुनाव परिणाम जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद को मिले 265,420 वोट। बसपा की केशरी देवी पटेल को मिले 201,083 वोट। बीजेपी के बेनी माधव बिंद को मिले 151,482 वोट। अपना दल के सोनेलाल पटेल को मिले 80,383 वोट। कांग्रेस के राम पूजन पटेल को मिले 11,365 वोट। फिर आए 2009 के लोकसभा चुनाव। अब की उत्तर प्रदेश में बुआ की यानी कि मायावती की सरकार थी। इसका फायदा फूलपुर को भी मिला और पहली बार बसपा ने यहाँ पर खाता खोला। बसपा के कपिल मुनि करवरिया ने समाजवादी पार्टी के पैसों से बेहद मजबूत नेता श्यामाचरण गुप्ता को एक करीबी मुकाबले में हार का मजा चखाया। बीजेपी की तरफ से करण सिंह पटेल थे और कांग्रेस की तरफ से धर्मराज पटेल, लेकिन मुकाबला कपिल मुनि और श्यामाचरण के बीच ही सीमित रहा। आखिरी गिनती के बाद वोट इस तरह से थे। बसपा के कपिल मुनि करवरिया को मिले 167,542 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के श्यामाचरण गुप्ता को मिले 152,964 वोट। 2014 के लोकसभा चुनाव जिन्होंने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन ये तो नतीजों के बाद आने वाले आकलन हैं, कथन हैं। नतीजों के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राह बेहद रपटीली थी। अमित शाह को इस बात का इल्हाम था, जो पार्टी के प्रभारी महासचिव थे, इसलिए हर सीट पर सोच सोच कर फूंक फूंक कर उम्मीदवार चुने जा रहे थे। जब फूलपुर का जिक्र आया तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल का वीटो काम कर गया। पीएचपी के सिंघल ने सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए पैरवी की। वो कैंडिडेट थे दशकों से बिहेप और बजरंग दल के लिए सक्रिय केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी को लग रहा था कि ये वैसे भी उनकी सीट नहीं रही है, वो कभी भी यहाँ से चुनाव नहीं जीते हैं, ऐसे में अच्छा है कि जातीय संतुलन को ही साध लिया जाए। वहाँ पर काछी, कुशवाहा, मौर्या, बिंद इस बिरादरी के अच्छे खासे वोट थे और बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग में ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा तबकों को साथ लेने की रणनीति पर अमल हो रहा था। धर्मराज पटेल, पुराने नेता, समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन देश की मीडिया की फूलपुर की लोकसभा में ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके क्रिकेटर मोहम्मद कैफ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे। क्रिकेट अलग है, सियासत अलग है। मोहम्मद कैफ को समझ में आ गया
सबको समझ में आ गया, क्योंकि मोदी के नाम की जोरदार आंधी चली और बीजेपी जब पहली बार जीती तो ऐसी जीती जैसे कोई नहीं जीता था। भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य को मिले 5,03,564 वोट, समाजवादी पार्टी के धर्मराज पटेल को मिले 1,95,256 वोट, मोहम्मद कैफ को मिले 58,127 वोट, वो चौथे नंबर पर रहे। फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का करियरग्राफ तेजी से आगे बढ़ा। 8 अप्रैल 2016 को उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और संगठन की दृष्टि से देखें तो उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में। चुनावों में बीजेपी की सफलता की सबसे बड़ी वजह थी ओबीसी जातियों का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और इसका एक बड़ा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया गया। उन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके लिए जो ज़रूरी अर्हता थी विधायक होना, उसके लिए विधान परिषद के रास्ते भेजा गया और इसी के चलते फूलपुर पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं कौशलेंद्र पटेल, जो बेहद कम उम्र में बनारस में मेयर बन गए थे। बनारस की राजनीतिक किंवदंतियां माने तो वहां पर मेयर का पद अपशकुनी माना जाता है। कहा जाता है कि जो मेयर बन जाता है उसका सियासी करियर आगे नहीं बढ़ता। कभी कांग्रेस के नेता का जिक्र करते हैं तो कभी ओम प्रकाश सिंह की पत्नी सरोज सिंह का, जो मेयर बनने के बाद कभी भी विधायकी का टिकट नहीं पा पाई। कौशलेंद्र पटेल मिर्जापुर के रहने वाले, बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए 96 के दौर में पहुंचे थे बनारस। यहीं पर सियासी सीढ़ियां चढ़ी, संगठन की राजनीति की। जब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने तो इनको प्रदेश मंत्री का ओहदा मिला। दो बार इन्होंने टिकट मांगा था, 2006 से 2011 तक मेयर रहने के बाद 2012 के चुनाव में बनारस की रोहनिया सीट से टिकट मांगा, लेकिन टिकट मिला ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह को। ओम प्रकाश सिंह जो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के दौर में बीजेपी के प्रदेश के हैवीवेट नेताओं में गिने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, उनको टिकट मिला। 2017 में कौशलेंद्र ने मिर्जापुर की चुनार सीट से टिकट मांगा, इस बार भी टिकट ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह को मिला और अनुराग सिंह मोदी लहर में आखिरकार चुनाव जीतने में सफल रहे। सब्र का इनाम अब मिला कौशलेंद्र पटेल को, जब 2018 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर की लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। कौशलेंद्र को टिकट मिलने में राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और संघ से करीबी काम आई, लेकिन सपा के कैंडिडेट नागेंद्र पटेल को टिकट हासिल करने के लिए एक करीबी को खत्म करना पड़ा। नागेंद्र पटेल जो जंग बहादुर पटेल के चेले थे और इसलिए 90 के दशक से ही सपा में सक्रिय थे, लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने सपा ज्वाइन की 2012 में जब मंच पर मौजूद थे शिवपाल यादव। कुछ बरस बीतने के बाद नागेंद्र को समझ में आ गया कि सपा में आगे बढ़ना है तो शिवपाल नहीं अखिलेश के खेमे में जाना होगा। अखिलेश ने भी उन्हें इसका इनाम दिया, पार्टी का टिकट तो नहीं दिया लेकिन संगठन में महासचिव का ओहदा दिया। लंबे समय से नागेंद्र फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आला कमान टालम टोल कर रहा था और ऐसे में उन्होंने खुद ही जाकर पर्चा खरीद लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। कहते हैं कि जब अखिलेश को इस बात का भान हुआ तो उन्होंने आनन फानन में नागेंद्र को सपा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब नए हालात हैं, बसपा ने इन उपचुनावों में सपा का साथ देने की बात कही है और ऐसे में नागेंद्र पटेल को लग रहा है कि उनकी चुनावी संभावनाएं मजबूत हैं। लेकिन याद रखिए, ये उप मुख्यमंत्री की गृह सीट है, अगर यहाँ से भाजपा हारती है तो केशव प्रसाद मौर्य की सियासत कमज़ोर होगी, इसलिए कौशलेंद्र पटेल के पक्ष में बीजेपी के क्या छोटे क्या बड़े सभी नेता जुटे हुए हैं। और एक लंबे समय से 1984 के बाद से लगातार
द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय लड़ाई में एक और कोण जोड़ने की कोशिश करने वाली कांग्रेस भी एक बार फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने टिकट दिया है मनीष मिश्र को, जो 2007 में विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी के टिकट पर हार चुके हैं। इनके पिता जगदीश मिश्र गांधी परिवार के पुराने वफादार आईएएस रहे, रिटायर हुए तो इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे, एक बार खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन 5वें नंबर पर ही आ पाए। मनीष संगठन की राजनीति करते हैं। एक और उम्मीदवार जो दावा कर रहा है कि मुकाबला चतुष्कोणीय है, इस उम्मीदवार का नाम है अतीक अहमद, जो इस बार निर्दलीय मैदान में है। ये अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा सांसद रहे थे, फिर भला निर्दलीय मैदान में क्यों? 1979 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद 1989 से लगातार इलाहाबाद पश्चिम से पहले निर्दलीय, फिर अपना दल और फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला अतीक अहमद। अतीक अहमद 2002 में अपना दल के टिकट पर विधायक बने, 2003 में मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद सपा में शामिल हुए, 2004 में सांसद बने, 2007 में मायावती की सरकार आई, अतीक पर कई मुकदमे लादे गए, उनकी कुर्की होने लगी, सपा की बड़ी फजीहत हुई और मजबूरन मुलायम सिंह यादव को 50 से ज़्यादा गंभीर अपराधों में लिप्त होने का इल्ज़ाम झेल रहे अतीक अहमद को पार्टी से बाहर करना पड़ा। 2013 में अतीक की सपा में वापसी हुई, 2014 में वो श्रावस्ती की लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और हारे। 2017 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद को कानपुर की कैंट सीट से सपा का कैंडिडेट घोषित किया गया था। अखिलेश यादव ने इस पर नाराज़गी जताई और उसके बाद अतीक अहमद ने अपना पर्चा वापस ले लिया। पर्चा वापसी तात्कालिक थी। अतीक को लगता है कि अगर उन्हें अखिलेश को नीचा दिखाना है तो फूलपुर में सपा को कमज़ोर करना होगा, उसकी हैसियत बतानी होगी। सियासत चीज़ ही ऐसी है, यहाँ लोग कभी अपनी हैसियत नापते हैं, कभी दूसरों की हैसियत कम करके अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। और सियासत की ये सब कहानियाँ आपको सुनाता है thelallantop.com अपने पॉलिटिकल किस्सों के ज़रिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यूपी की सियासत के बारे में, फूलपुर संसदीय क्षेत्र के इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन दोस्तों की सियासत में दिलचस्पी है उन्हें मेंशन करें, टैग करें, और अगर अब तक ललन टॉप के पेज को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर डालें। जो दोस्त यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं वो दी ललन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई पॉलिटिकल किस्सा अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया।